हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक अच्छा वीडियो क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्रिएटिविटी और स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से यदि आप आपके काम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के कुछ बेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जिसका यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं तो आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना होता है। तो कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए आपको जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कंट्रोल एन। देन यहाँ पे आप जो है न्यू कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल एन की मदद से। फ्रेंड्स, अगले शॉर्टकट की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है हमारा कि हमें किसी भी लेयर में यदि की फ्रेम लगानी होती है तो उसके लिए हम लेयर को सिलेक्ट कर यहाँ पे एरो में यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करना पड़ता है। देन उसके बाद में हमें ट्रांसफॉर्म में आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे हम इनकी जो कीज हैं वो लगा सकते हैं। बट इनका हम शॉर्टकट से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा और हमारा टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे यदि हम किसी भी लेयर की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सिंपली पी प्रेस करना है। इसका जो शॉर्टकट है पोजीशन का वो है पी। देन हमें किसी भी लेयर की स्केल चेंज करनी है तो वो है, तो उसका स्केल का जो शॉर्टकट है वो है एस। और यदि हमें इसका रोटेशन चेंज करना है तो प्रेस करेंगे हम आर, तो रोटेशन का जो शॉर्टकट है वो है आर। और यदि हमें एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट है ए। और यदि हमें इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो उसका शॉर्टकट है टी। तो ओपेसिटी के लिए यहाँ पे टी शॉर्टकट है। अदरवाइज आप जैसे देखेंगे कि जो भी उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वही उसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे ओपेसिटी का बस ध्यान रखना है आपको, ओपेसिटी का जो शॉर्टकट की है वो है टी। अब फ्रेंड्स, हमें किसी भी लेयर की यदि हमको की चेक करनी है कि उसमें की कौन कौन सी लगी हुई है तो वहाँ पे हमको उस लेयर को सिलेक्ट करके हमको कीबोर्ड में यू प्रेस करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे पी प्रेस करते हैं, देन यहाँ पे भी हम की लगा देते हैं। अब यदि हम इसमें यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको पी यानी कि ओपेसिटी और पोजिशन दोनों की लेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप किसी भी लेयर का यदि कीज देखना चाहते हैं तो आपको यू प्रेस करना है, तो आप उसका जो है की फ्रेम पूरे चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद में दोबारा यू प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। बट यहीं पे आप यदि उस लेयर की सारी प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो आप यू को दो बार प्रेस करेंगे एक साथ, तो आप देखेंगे कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरीके से आपने किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, देन आप यू प्रेस करेंगे तो सभी सारी लेयर्स की आपको यहाँ पे की फ्रेम दिखने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले यूजफुल शॉर्टकट की। तो यदि हमें किसी भी लेयर को यदि डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है इसमें होता है कंट्रोल डी। तो यदि आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके तो उसकी जो है डुप्लीकेट बन जाएगी। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टेक्स्ट लेयर हो या फिर शेप लेयर हो या फिर कोई भी इमेज की लेयर हो, तो आप किसी भी लेयर को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उसका डुप्लीकेट देखने मिल जाएगा। बट यहीं पे आप यदि उसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आपका जो टाइम इंडिकेटर है, जहाँ पे भी टाइम इंडिकेटर आपका रहेगा तो वहाँ पास यदि आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है, तो वहाँ पे वो जो लेयर है स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे टाइम इंडिकेटर था वहीं से हमारी जो लेयर है स्प्लिट हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स, यदि आप सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, देन आप सभी लेयर्स को जो है यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट है। अब फ्रेंड्स, यदि आपको फॉरवर्ड या फिर बैक फॉरवर्ड जाना है तो वहाँ पे यदि आप सिंगल फ्रेम फॉरवर्ड या फिर बैक फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड जाने के लिए आपको पेज डाउन का बटन क्लिक करना है। तो आप वन टाइम पेज डाउन का बटन क्लिक करेंगे तो देन आप एक फ्रेम फॉरवर्ड चले जाएंगे। देन बैकवर्ड यदि जाना चाहते हैं तो पेज अप का बटन क्लिक करेंगे वन टाइम, तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे। और वहीं पर यदि आप 10 फ्रेम एक साथ आप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करके पेज डाउन का बटन क्लिक करना है, तो देन आप 10 फ्रेम सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड जा सकते हैं। वहीं पे 10 फ्रेम पीछे बैकवर्ड जाना है आपको तो वहां पे शिफ्ट प्रेस करके पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो आप 10 फ्रेम बैकवर्ड जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे टूल्स की। तो यहाँ पे टूल्स का जो शॉर्टकट है तो वहां पे यदि आप वी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन टूल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मैं किसी दूसरे टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आप वी प्रेस करेंगे तो वी प्रेस करते ही आपका जो है सिलेक्शन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें हैंडल टूल की, तो हैंडल टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपको एच टाइप करना है। तो एच टाइप जैसे ही करेंगे तो आपका देखिए हैंडल टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो पेन बिहाइंड टूल का जो शॉर्टकट होता है, जिसे आप एंकर टूल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे उसका जो शॉर्टकट है वो है वाई। और फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि रोटेशन टूल की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डब्ल्यू, तो देन आपका जो रोटेशन टूल है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो रोटेशन टूल का जो शॉर्टकट है वो है डब्ल्यू।
और फ्रेंड्स यदि सेव टूल की बात करें तो आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में Q तो देन आपका जो सेव टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, तो राउंडेड रेक्टेंगल जैसे सिलेक्ट है तो हम इस Q को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एलिप्स टूल सिलेक्ट हो गया। देन आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आप पॉलीगन टूल सिलेक्ट हो गया है। देन दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका स्टार टूल सिलेक्ट हो गया। फिर से दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो Q प्रेस करेंगे देन उसको बार बार Q को प्रेस करेंगे तो आपके जो टूल्स हैं वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है तो उसका जो शॉर्टकट है वो है जी। तो जैसे ही आप जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। देन यदि पेन टूल में भी अदर ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे दोबारा जी को आप प्रेस करेंगे तो वैसे देखिए आप यहाँ पे पेन टूल में और दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको किसी भी लेयर में जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर करना हो तो उसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल बटन को प्रेस करके पेन बिहाइंड टूल में आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर चला जाएगा। और यदि आप इसको केवल कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में चला जाएगा। एंड फ्रेंड्स किसी भी लेयर को आप ओवरऑल स्क्रीन के सेंटर में रखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल और होम बटन प्रेस करेंगे तो जो भी लेयर है वो सेंटर में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट किया देन कंट्रोल प्लस होम बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो लेयर जो है ऑटोमेटिक सेंटर में यहाँ पे आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स यदि आप किसी टाइमलाइन में यदि बीच में कहीं पे हैं और डायरेक्टली आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में टाइप करना है आई, और वहीं पे यदि आप एंडिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है ओ। तो यहाँ पे टाइमलाइन में आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जाने के लिए आपको आई और ओ प्रेस करना है, आई स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए ओ, जहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म है इन और आउट। और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी पैनल को बड़ा करके देखना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करके देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड में इस बटन को टाइप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी पैनल पे, जैसे कि मैं यहाँ टाइमलाइन पे हूँ, अभी कर्सर मेरा टाइमलाइन पे है, मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी जो पूरी टाइमलाइन है ये पूरी बड़ी हो चुकी है। वहीं पर दोबारा प्रेस करूँगा तो नॉर्मल साइज में चली जाएगी। देन वहीं पर स्क्रीन पर यदि अपना मैं माउस कर्सर लेकर के जाता हूँ देन इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन फुल साइज में आ जाएगी यहाँ पे। तो किसी भी पैनल में जाकर के आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे उसका जो पैनल है वो पूरा फुल स्क्रीन में आपको दिखने लग जाएगा। देन दोबारा उसी बटन को दबाने पे आपको नॉर्मल साइज आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स आप किसी भी लेयर को यदि प्रीकॉम करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उस लेयर को प्रीकॉम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आप टाइमलाइन में जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट है कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस के बटन से जस्ट बगल में आपको जो प्लस माइनस का जो बटन देखने मिलता है तो यहाँ से आप इसको प्लस बटन से आप यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं और वहीं पे माइनस बटन से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप टाइमलाइन में मार्कर सेट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके 0 से लेकर के 9 तक कोई सा भी बटन आप प्रेस करेंगे तो उस नंबर का मार्कर जो आप सेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूं देन 0 प्रेस कर रहा हूं तो देखिए 0 नंबर का मार्कर लग गया। देन वैसे ही शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूं 9 को प्रेस कर रहा हूं तो 9 नंबर का मार्कर यहां पे लग गया। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को प्रेस करेंगे ऊपर कीबोर्ड में तो आपका जो मार्कर उस नंबर का सेट हो जाएगा। हम कंट्रोल प्रेस करके यहां पे अप एरो बटन को प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर वाली लेयर जो है सिलेक्टेड हो जाएगी, और वहीं पे यदि हम डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो हमारे नीचे लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड होने लग जाएंगी। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी लेयर को ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आपको उस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आप उस लेयर को ऊपर मूव कर सकते हैं। और उसी तरीके से यदि आप उस लेयर को नीचे मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे देन आप लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आप उस लेयर को नीचे ला सकते हैं। फ्रेंड्स आपको किसी भी लेयर को जहां से भी कट करना है तो आपका टाइम इंडिकेटर को उस जगह पे रखें जहां से भी आप लेयर को कट करना चाहते हैं, देन ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और आपके राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्टेड लेयर राइट साइड से कट हो जाएगी, और वहीं पे यदि आप लेफ्ट साइड से कट करना चाहते हैं तो ऑल्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो लेयर है पूरी लेफ्ट साइड से कट हो जाएगी। और फ्रेंड्स प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस से आप इसको सेव कर सकते हैं, और फ्रेंड्स बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको आफ्टर इफेक्ट में यदि आप रेंडर करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है तो देन यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में ही आपकी जो इसकी रेंडरिंग है वो आप कर सकते हैं। बट यदि आपको मीडिया एनकोडर में यहाँ पे आपको रेंडर करना है, आप इसको मीडिया एनकोडर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट कंट्रोल एम प्रेस करना है तो आप मीडिया एनकोडर में आप डायरेक्टली इसको रेंडर कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आज मैंने जो आपको आफ्टर इफेक्ट के कीबोर्ड शॉर्टकट बताए हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट को फास्ट रैप अप करने में हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, यदि आप चैनल पे नए हैं उसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप फ्यूचर में देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।